हेलो फ्रेंड्स, ये एप्सन का कलर प्रिंटर है L3110। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसका हेड ब्लॉक है। मैं इसका टेस्ट पेज निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका येलो कलर बिल्कुल डिम आ रहा है, ब्लैक तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। मैंने इसको कंप्यूटर से भी क्लीनिंग किया है पर ये प्रॉपर नहीं आ रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, बताता हूँ ये कैसे ठीक होगा। इसका हेड क्लीन करेंगे। हमने ये दो स्क्रू खोलने हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों को खोलना है। ध्यान से खोलना है इसको, इसके ये निकाल देने हैं। इसका सर साइड की तरफ करेंगे तो ये ऊपर से खुल जाएगा। फिर हमने ये हेड करना है। ये देखिए, ये स्टक हो गया है। इसको, इस वाले गियर को थोड़ा सा आगे पीछे करिए, ये फ्री हो जाएगा। इसको बाहर निकालना है। ये देखिए, इसमें इंक है बट ये प्रिंट नहीं निकाल रहा। हमने ये वाला हेड निकालना है बाहर। इसके ये दोनों तरफ से लॉक होते हैं। इसको पेचकस की सहायता से अंदर को कीजिए तो ये बाहर आ जाएगा। ऐसे ये हेड बना हुआ है। इसको खोलेंगे स्क्रू से। ये बाहर आ जाएगा। फिर इसका ये पत्ता निकालना है साइड से। हेड हमारा बाहर आ गया। ये हेड का निचला हिस्सा है जहाँ से प्रिंट होता है, ये देखिए ये ख़राब हो गया है। तो इसको क्लीन करेंगे। मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कैसे क्लीन करना। पहले इसको कपड़े से ये सारी इंक क्लीन करनी है। ये देखिए, क्लियर हो गया, बिल्कुल साफ कर दिया मैंने इसको। इसमें जो थोड़ी सी इंक है वो बाहर आ रही है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है हमने? एक ये नीडल लेनी है, सिरिंज 10 ml की, 20 ml की। इसमें ये रबड़ वाली पाइप, कोई भी पुराने प्रिंटर में से ये निकल जाएगी। इसमें पानी भरना है। और हेड के जहाँ पे ये हेड टच होता है कार्ट्रिज वाला, ये वाला, इसमें ये लगाना है। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसे लग जाएगा। फिर इसको बाहर निकाल के शैंक में तो इसको प्रेस करना है, यहाँ से आगे से निकालना है। ये देखिए, इसको मैं हल्का हल्का दबाऊँगा, इसमें से ये पानी निकलना शुरू हो जाएगा। हमारी ये नोजल खुलनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, धार निकल रही है।
देखिए कैसे फुहरा निकल रहा है। हमने ये क्लियर हो गया, फिर हमने नेक्स्ट में करना है, सभी में करना है एक इंजेक्शन। ये हमने नेक्स्ट में किया, सेम प्रोसेस। ये हम तीसरे में इसका भी ऐसे ही करेंगे। फोर्थ में सेम प्रोसेस। ये देखो मैंने साफ करके लगा दिया और इसके स्क्रू लगाएंगे, एक दो और एक तीन। फिर मैं आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ। ये लगाएंगे इसमें, ये लग गया। तो उसके बाद ब्लैक, येलो, मजेंटा और सियान, ये लग गए। बाकी इसके ऊपर कवर लगाएंगे। और इसके स्क्रू लगाने हैं इस तरफ और इस तरफ, ये दोनों तरफ लग गए। हमने इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है हमने, इसमें प्रेफरेंसेस में जाएंगे, फिर मेंटेनेंस में इसमें करेंगे पावर एंड क्लीनिंग। नेक्स्ट इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे कॉलम को। नेक्स्ट लास्ट टाइम हमने किया था ना पहले, वो हेल्थ क्लीनिंग करके देखते हैं। स्टार्ट ये हमारी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। क्लीनिंग चलिए क्लीनिंग करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी भी चल रही है, इसमें 4-5 मिनट लगते हैं क्लीनिंग के लिए। ये अभी भी क्लीनिंग कर रहा है, 4 से 5 मिनट बाद इसका ये टेस्ट पेज निकाल के दिखाऊंगा मैं इसको। देखिए चल रही है इसकी क्लीनिंग। चलिए फ्रेंड्स मैं इसका प्रिंट निकाल के दिखाता हूँ। एक देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हेड क्लीनिंग के बाद क्लियर प्रिंट आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।